हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। आज हम एनवीएस के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ कनिष्क कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए मथुरा संग्रहालय, बी सारनाथ संग्रहालय, सी लखनऊ संग्रहालय, डी लाहौर संग्रहालय। तो इसका ऑप्शन वन सही होगा, मथुरा संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, नटराज व अर्धनारीश्वर की दो प्राचीन मूर्तियों जिनकी वर्षों पूर्व दक्षिण भारत के मंदिरों से चोरी हुई थी, जिन्हें प्राचीन मूर्तियों के लीडर सुभाष कपूर ने लाखों डॉलर में खरीदकर हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भारत को वापस दिया था? किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत को वापस दिया है? ऑप्शन ए नेपाल, टू बी भूटान, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जो चोरी की हुई मूर्तियां हैं उसे लाखों डॉलर में खरीद कर भारत को वापस किया था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अकबरनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, बी अबुल फजल, सी जहांगीर, डी बीरबल। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊँचा निर्माणाधीन मंदिर है? ऑप्शन ए चंद्रोदय, बी विष्णु मंदिर, सी चिनफिंग मंदिर, डी आनंद मंदिर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, चंद्रोदय मंदिर भारत में जो निर्माणाधीन है, अभी काम चल रहा है इसमें, और विश्व के सबसे ऊंचा मंदिर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पोर्ट्रेट कलाकार भी हैं? जो एक अभिनेता हैं वह एक पोर्ट्रेट कलाकार भी हैं, पेंटिंग भी बनाते हैं। ऑप्शन ए सलमान खान, बी अमिताभ बच्चन, सी आमिर खान, डी ऋतिक रोशन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सलमान खान जो है एक आर्टिस्ट भी हैं, अभिनेता के साथ साथ एक पोर्ट्रेट कलाकार भी हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने कब विश्व हेरिटेज साइट घोषित किया था? ऑप्शन ए 2010, बी 2002, सी 2008, डी 2009। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बोधगया को जो है, बोधगया मंदिर है, यूनेस्को ने उसे 2002 में विश्व हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया था 2002 में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की मूल प्रति में कुल कितने चित्रों को बनाया है? ऑप्शन ए 20, बी 21, सी 22, डी 28। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 22 चित्रों को, संविधान की मूल प्रति में कुल 22 चित्र को चित्रित किया है नंदलाल बोस ने। वंस अपॉन ए टाइम कलाकृति है, वंस अपॉन ए टाइम किसकी कलाकृति है? ऑप्शन ए जयकृष्ण अग्रवाल की, बी बद्रीनाथ की, सी सत्येंद्रनाथ सिंह की, डी मदनलाल नागर की। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, वंस अपॉन ए टाइम जो कलाकृति है जयकृष्ण अग्रवाल जी की है। अगले प्रश्न है, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हैं ई वी हेवेल, पर्सी ब्राउन, मुल्कराज आनंद, आचार्य रामचंद शुक्ल। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मुल्कराज आनंद। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हैं मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, राजस्थानी शैली में सर्वाधिक प्रयुक्त सौंदर्ययुक्त नारी का चित्रण कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए मेवाड़, बी जयपुर, सी बीकानेर, डी किशनगढ़। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, किशनगढ़ में जो है सौंदर्ययुक्त नारी का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण लघु चित्र रागदीपक भैरवी, रागभैरवी या रागदीपक तथा चांद देखते हुए युगल प्रेमी का चित्रांकन हुआ है? ऑप्शन ए जोधपुर शैली में, बी बूंदी शैली में, सी किशनगढ़ शैली में, डी देवगढ़ शैली में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बूंदी शैली में। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली में चित्रित है? ऑप्शन ए बूंदी, बी मेवाड़, सी किशनगढ़, डी जयपुर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सुप्रसिद्ध जो बनी ठनी पेंटिंग है इसे भारतीय मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है, यह किशनगढ़ शैली में निहाल चंद्र द्वारा चित्रित किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कृति ओट फॉर लव ऑफ का चित्रण किसने किया है? ओट ऑफ लव का चित्रण किसने किया है? ऑप्शन ए सुरजन, बी श्री कृष्ण, सी निहल चंद, डी लडली दास। तो इसका ऑप्शन
सी सही होगा। ओट ऑफ लव जो चित्र है उसे निहाल चंद द्वारा चित्रित किया गया है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। नियामत नामा नामक ग्रंथ किसने या किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए पाकशास्त्र से, बी कामशास्त्र, डी धर्मशास्त्र, डी अर्थशास्त्र, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, पाकशास्त्र से। जो नियामत नामा नामक ग्रंथ है वह पाकशास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं, ऑप्शन ए राज्य पुस्तकालय रामपुर उत्तर प्रदेश में, बी बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में, सी भारत कला भवन वाराणसी में, डी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो औरंगजेब का बुढ़ापा चित्र है वह राज्य पुस्तकालय रामपुर उत्तर प्रदेश में रखा गया है। अमृता कला विथिका किस शहर में स्थित है, ऑप्शन ए भदोही, बी गोरखपुर, सी लखनऊ, डी कानपुर, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, गोरखपुर में। अमृता कला जो है वह गोरखपुर में स्थित है। इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य कहा जाता है, ऑप्शन ए टिशियन को, बी आंद्रिया मंताना को, डी सी ड्यूरर को, डी तित्तो रित्तो को, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, टिशियन को। इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य कहा जाता है टिशियन को। अगला प्रश्न है, इंझा कृति किसकी है, इंझा जो कृति है चित्र है वह किस कलाकार की है, ऑप्शन ए डॉक्टर करुणा सिब्बू की, बी प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह की, सी डी पी धुलिया की, डी डॉक्टर राजेश्वर आचार्य की, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, डी पी धुलिया होंगे, ऑप्शन सी इंझा कलाकृति के कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, गीता कपूर कौन है, चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर या इतिहासकार एवं कला समीक्षक, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, इतिहासकार तथा कला समीक्षक हैं। अगला प्रश्न है, द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन ग्रंथ किसने लिखा है, ऑप्शन ए अल्बर्ट ड्यूरर, बी सिसरो, सी हेगल, डी एम रसन, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अल्बर्ट ड्यूरर ने द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन नामक ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है, स्नानार्थी किसकी कलाकृति है, ऑप्शन ए लियोनार्डो विंची, बी ड्यूरर, सी टर्नर, डी माइकल एंजेलो, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, माइकल एंजेलो की कलाकृति है स्नानार्थी। अगले प्रश्न है, ग्वेरनिका किस कलाकार की कलाकृति है या रचना है, ऑप्शन ए डॉली, बी पिकासो, सी माइकल एंजेलो, डी गोया, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, पिकासो। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर स्थित है, खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है या खजुराहो प्रसिद्ध है, तो खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश छतरपुर में स्थित है, ऑप्शन ए मूर्तियों के लिए, बी मंदिरों के लिए, सी चित्रों के लिए, डी झीलों के लिए, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जो खजुराहो मंदिर है वह खजुराहो है वह मंदिरों के लिए फेमस है या प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का प्राचीन केंद्र था, ऑप्शन ए अजंता, बी महाबलीपुरम, सी सिंधु घाटी, डी खजुराहो की सभ्यता, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वह प्राचीन कला केंद्र है। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली का मुख्य विषय क्या था, भानुदत्त की रसमंजरी, बी जयदेव की गीत गोविंद, सी वाल्मीकि की रामायण, डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बसोहली शैली का मुख्य विषय था भानुदत्त की रसमंजरी, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा है, ऑप्शन ए मानकू, बी हंसोराज, सी मोहम्मद बख्श, डी मोलाराम, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मोलाराम जो है गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न है, भारत में वास पद्धति के जनक थे, ऑप्शन ए गगनेन्द्रनाथ, बी अवनींद्रनाथ, सी जितेन्द्रनाथ, डी राजा रवि वर्मा, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अवनींद्रनाथ। अगला प्रश्न है, पेस्टल रंगों द्वारा बैले नर्तकियों का त्वरित अंकन किसने किया है,
ऑप्शन ए तुलुज लौत्रक, बी एडगर देगा, सी पिकासो, डी सेजा। तो पेस्टल रंगों द्वारा पहले नर्तकियों का त्वरित रेखांकन जो है एडगर देगा ने किया है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जापानी छायाचित्रों का विशेष महत्व है। ऑप्शन ए घनवाद में, बी प्रभाववाद में, सी अभ्यंजनावाद में, डी यथार्थवाद में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रभाववाद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रभाववादी महिला चित्रकार हैं। ऑप्शन ए मैरी कैसेट, बी रॉबर्ट हेनरी, सी रगलिजा जेन, डी हैरी हवेमेयर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, मैरी कैसेट जो है प्रभाववादी महिला चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 19 अगस्त, बी 29 सितंबर, सी 23 जनवरी, डी 14 मार्च। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 19 अगस्त। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण करता है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी महाराणा कुंभ, सी शाहजहां, डी जयसिंह प्रथम। तो इल्तुतमिश ने शुरू करवाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे पूरा करवाया है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बिंदुवादी कला थी। ऑप्शन ए प्रभाववाद, बी नव प्रभाववाद, सी उत्तर प्रभाववाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, नव प्रभाववाद। बसोहली शैली में गीत गोविंद किससे चित्रित किया गया है या किसने चित्रित किया है। ऑप्शन ए मानको, बी निक्का, सी बंसीधर, डी मंगलू। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, मानको जो है बसोहली शैली में गीत गोविंद को चित्रित किया है। आँख मिचौली चित्र किसने बनाया है। अगला प्रश्न है, आँख मिचौली चित्र किसने बनाया है। ऑप्शन ए मोलाराम, बी मानको, सी नैनसुक, डी दुर्गा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, मोलाराम। आँख मिचौली चित्र जो है मोलाराम ने चित्रित किया है। अगला प्रश्न है, एडगर देगा द्वारा वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ कृति से किस तकनीकी को प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हैचिंग, बी ब्लेंडिंग, सी स्टिपलिंग, डी शेडिंग। तो देगा द्वारा वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ कृति है जो उसे हैचिंग तकनीक में बनाया है। अगला प्रश्न है, ओबामा के प्रथम अध्यक्षीय पोस्टर, ओबामा का प्रथम अध्यक्षीय पोस्टर होप में प्रबल दृष्टिगत तत्व क्या था। ऑप्शन ए गरुण, बी स्टार्स, सी इमेज ऑफ ओबामा, डी मनमोहन सिंह के साथ ओबामा हाथ मिलाते हुए। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, इमेज ऑफ ओबामा। अगला प्रश्न है, पहला कैमरा किसने बनाया था। ऑप्शन ए जोहान जान ने, बी थॉमस हसन सहन ने, सी जॉर्ज ईस्टमैन ने, डी जॉर्ज लॉरेंज ने। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जोहान जान ने, पहला कैमरा जो है जोहान जान ने बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रभावादी कला की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए सूर्य किरणों ने प्रकाश का अध्ययन, बी उच्च कुंजी के रंगों का प्रयोग, सी नाटकीय एवं बनावटी दृश्यों का अंकन, डी जापानी छाप चित्रों का विशेष स्थान। तो जो नाटकीय एवं बनावटी दृश्यों का अंकन है वह प्रभावादी विशेषता में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, जापानी छाप चित्रों के प्रमुख कलाकार थे। होकुसाई, बी हिरोशिगे, सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों जो है जापानी छाप चित्रों के प्रमुख कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया है। ऑप्शन ए सवाई प्रताप सिंह, बी सवाई जय सिंह, सी सूरजमल सिंह, डी सवाई राम सिंह। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सवाई राम जय सिंह। तो अगला प्रश्न है, बसोहली शैली का प्रसिद्ध चित्र माखन चोर कहाँ संग्रहित है। बसोहली शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है माखन चोर वह कहाँ संग्रहित है। ऑप्शन ए भारत कला भवन वाराणसी, बी भारत भवन भोपाल, सी एनसी मेहता संग्रहालय बड़ौदा, डी भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, एनसी मेहता संग्रहालय बड़ौदा में
संग्रहित है माखन चोर, जो कलाकृति है बसोहली शैली का। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली का प्रमुख संरक्षक था, कांगड़ा शैली के जो प्रमुख संरक्षक थे वह कौन थे? ए संसार चंद, बी सावंत सिंह, सी भूपत पाल, डी जयदेव। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जो कांगड़ा शैली के संरक्षक थे वह संसार चंद थे। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला में किस शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है? पहाड़ी चित्रकला में किस शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है? ए बसोहली, बी गुलेर, सी कुल्लू, डी कांगड़ा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कांगड़ा। अगला प्रश्न है, चारागाह में संगीत समूह किसकी रचना है? चारागाह में संगीत समूह जो है किसकी रचना है? जेड जियोन की, बी माने की, सी दाविद की, डी दिलगरा की। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जॉर्ज जियोन। अगला प्रश्न है, प्रभावादी चित्रकारों के मुख्य विषय क्या थे? तो ऑप्शन ए प्रकाश एवं वातावरण, बी परंपरागत देवी देवताओं के चित्र, सी प्रकृतिवादी चित्रण, डी यथार्थवादी चित्रण। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, प्रकाश एवं वातावरण था मुख्य विषय। अगला प्रश्न है, घनवाद के प्रणेता कौन थे? पिकासो। घनवाद के प्रणेता कौन थे? पिकासो। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो इसका ऑप्शन भी ए सही होगा। अगला प्रश्न है, तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, बी कुलोत्तुंग, सी राजराज प्रथम, डी महेंद्र वर्मन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, राजराज प्रथम ने। अगला प्रश्न है, नैन सुख कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए गुलेर, बी बसोहली, सी जम्मू, डी कांगड़ा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, गुलेर। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली किसके काल में स्वर्ण युग में पहुंची? ऑप्शन ए संसार चंद, बी सावंत सिंह, सी कृपाल सिंह, डी रूप सिंह। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सावंत सिंह। अगला प्रश्न है, अंतिम यात्रा लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया है? अवनींद्रनाथ टैगोर, बी अब्दुल रहमान चुगताई, सी अमृता शेरगिल, डी गगनेन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर, जो अंतिम यात्रा लास्ट जर्नी नामक चित्र है वह अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। अगला प्रश्न है, मैरिज ए ला मोड चित्र किसका है? होगार्थ का। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मैरिज ए ला मोड किसका चित्र है? होगार्थ का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिंदुवादी चित्रकार था? ऑप्शन ए जॉर्ज सेवरा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जॉर्ज सेवरा।